बिन बुलाए बाराती तो आपने सुना होगा। साल 2011 में इस नाम से एक मूवी आई थी। चंद्रकांत सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म कॉमेडी पर आधारित थी। लेकिन क्या आपने बिन बुलाए पुलिस वाले सुने हैं? वो भी किसी शादी समारोह में। इतना ही नहीं, पुलिस वाले शादी में तो गए ही, वो भी शराब पीकर। क्या कहानी है, आइए इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। दरअसल शनिवार की रात पंजाब के जालंधर में होशियारपुर हाईवे पर एक निजी रिजॉर्ट में शादी का कार्यक्रम चल रहा था, गाना बजाना भी हो रहा था। इसी बीच वहाँ कई पुलिसकर्मी बिना किसी निमंत्रण के कार्यक्रम में पहुँचते हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी शराब के नशे में भी धुत होते हैं। लिहाजा वहाँ मौजूद लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने लोगों से धक्का मुक्की भी की। कार्यक्रम में जालंधर सेंट्रल से आप विधायक रमन अरोड़ा भी पहुंचे थे और उन्होंने जब इन पुलिसकर्मियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वे उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं। इस पर रमन अरोड़ा ने कहा कि उनके पास निजी सुरक्षा है और अगर आप सुरक्षा के लिए आए ही थे तो अंदर शराब पीने का मतलब नहीं बनता। सर इदा तुहाडे चार मुलाजम एक फंक्शन दे उत्ते आए हुए, पंज अंदर खूब दारू पी रहे हैं। लीजियम ग्रैंड दे विच पतारे थाने तो है, दो तीन होर है जी, खूब दारू पी के अंदर हंगामा कर रहे हैं। जिन्हां दे घरे फंक्शन उन्होंने धक्के मारे जी। मैं उस वेले मौके ते किन्ना तेरा का केवल सिंह आ, होर कित्थे बंदे ए एस आई है जी कहा जा रहा है कि इन पुलिसकर्मियों ने रिजॉर्ट में भी शराब पी थी। उधर विधायक रमन अरोड़ा ने जालंधर के SSP अंकुर गुप्ता से बात की और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिस परिवार का कार्यक्रम था उस परिवार के लोगों से भी बदसलूकी की गई है, उन्हें धक्का दिया गया है, जिसके बाद SSP ने तुरंत पतारा थाना प्रभारी को मौके पर भेजा और मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हालांकि आरोपी पुलिसकर्मी ने कहा कि उसका फ़ोन छीन लिया गया, जिस पर लोगों ने कहा कि शराब के नशे में धुत होने के चलते उनका फ़ोन लिया गया। फिलहाल यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।